मॉर्निंग प्रधान जी। गांव के बारे में बताइए, क्या चल रहा है पंचायत में, कैसा है सब कुछ राजकाज में? आवास आया है, आवास बन रहा है। सो गांव में बहुत सारे काम होते हैं, एक है जो अभी बता रहे हैं कि आवास विकास कहेंगे, तो जो भी लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं उनको एक एक गवर्नमेंट रूम देता है, एक रूम बनाने का पूरा खर्चा रहता है, तो किसको किसको दिया जाएगा, कौन कौन है, ये सब लिस्ट बन रही है, अप्रूव होगी देन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अभी सुबह हुआ है, थोड़ा सा देखने जा रहे हैं कि गांव में लोग सुबह सुबह क्या करते हैं। देखा यार कौवा है और ड्रोन सब एक तरह दिख रहा है, नहीं ओ देखो अरे तो ऊपर लुआ वाला खेतवा रे पलोनो का हम ड्रोन उड़ा रहे हैं और ये हालत हो गई कि सारे गांव के कौवे इसके पीछे पड़ गए हैं कि ये क्या आ गया है, पूरे देख सकते हैं चारों तरफ सारे कौवा उड़ रहे हैं आसपास, उसको ट्राई कर रहे हैं मारने का भी। सब लोग अपना अपना भैया झाड़ू लगाते हैं, एक होता है भैया एक कौड़ा था अपना झाड़ में। और प्रदीप जी घूमो चारों तरफ सर में पूरा वहाँ पे कैंपिंग में जंगल में तो लकड़ी के जलाओ जला। हमारे गांव में करीब 100-150 परिवार का गांव है, कुछ लोग खेत की तरफ हैं, बाहर की तरफ हैं, इधर को हम लोग बोलते हैं पश्चिमी इलाका, हमारा आता है पूर्वी इलाका में, अभी रीजनल डिवीजन है क्या बोलते ईस्ट वर्सेस वेस्ट का। इधर हमारे ताऊ जी का घर है, जो हमारे पापा के बड़े भाई हैं, उनके दो लड़के हैं, उनका दो लोग फौज में हैं तो उनका घर है। इधर हमारा घर है, चाचा जी का घर है, इधर चाचा जी का, इधर भी चाचा जी का, इधर हमारा है। भाग जाओ वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो यार। ये चाचा हैं अपना, ये अब सुबह के रूटीन में लगे हुए हैं खिलाने पिलाने के लिए। मैं और पापा दोनों निकले हैं और पापा से कुछ पूछता रहता हूँ, अपने गांव के बारे में भी बात करते रहते हैं हम लोग। सो इधर भी वही भैया ये ताप रहे हैं, मतलब आग लगा के। और भैया और का इनका थोड़ा सा किनवाई का खेती बाड़ी का है। पालगी तर्स भैया पालगी यहाँ भी शुरू हो गया, हम तो उन लोग का वीडियो बनाओ थे। हाँ इधर भी ये मॉर्निंग का सबका अपना अपना रूटीन है, यही कि चारा बालने वाली मशीन है, इधर से लोग अपना चारा इसमें डालते हैं और इससे सब रूप से दोनों तरफ नीचे ऊपर पकड़ के अंदर लेके जाता है। जो लोग ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं इस पे उस पे वो मशीन से चलाते हैं, मोटर से पट्टा लगा के। तो घर बन रहा है अभी, जस्ट आते फिनिश हुआ है, छत बन के फिनिश हुआ है, काफ़ी अच्छा लगा था वो। हाँ निक लगा था काफ़ी। एक महीना अभी, ये जस्ट एक महीने का है। कितना दूध देती है? और 1.5 किलो। मैं हमारे गांव में एक भैया हैं ओपी, उनका ये ऑटो रिक्शा है, ई रिक्शा कहेंगे, यही सब आजकल चल रहा है सिटीज में भी गांव में भी। तो अच्छा रहता है कि किसी को गाजीपुर कहीं जाना है, किसी को पहुंचाना है तो घर के यहाँ पहुंचा भी देते हैं, अपना निकल जाते हैं अपने जॉब पे। अंदर है इनका घर है, इधर अधरमदेव भैया का है, देखे हैं उनके लड़के हैं, इन लोग का पुराना घर था बट इसको अब गार्डनिंग करते हैं। हमको लगा तुम लोग छोड़ दिए हो यहाँ से। अरे यार जन्म भूमि काहे के छोड़ दी ऐसे हम चल लिए कितने से गांव घूमे पर ठंडा लग गल तब इन्ना दे ले दूध दे ले। हाँ भैया के घर में अभी शादी हुई थी तो उसी का सब ये गेरू से रंगा जाता है, इधर गेरू से और कलर से। कैसन तबीयत बा? मैं ड्रोन उड़ाता लिया। हाँ भैया गांव का आदमी पीछे पड़ गई का बना था वो टाटी बन थी कि तो वहाँ खातीन ये भैंस का घर है और इधर दरवाजा ढकने के लिए लोग ऐसे ही बना रहे हैं। पतलो है ना हो, कहाँ मिल गई है? लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, कहीं पे अमेरिका की बात, कहीं गांव की बात, और कुछ लोग पालतू के झगड़े की बात कर रहे हैं, दिमाग खराब हो जा रहा है। ये है एक महेंद्र भैया, सोदा भैया हैं, इनका घर है, हम लोग यहाँ पे इनके पास आए हैं ऐसे घूमने के लिए। ये हैं राजेंद्र मास्टर जो हमको हाई स्कूल में बहुत गणित पढ़ाए थे, इनकी वजह से हम गणित में पास हो गए थे बस।
भैया दूध का बिजनेस करते हैं अपना, तो सब जगह से दूध लेके जाते हैं और किसको देते हैं? दुकान दुकानदार चंदन। तो वो लोग छान के मिठाई बनाते हैं इसका। गाय के दूध में छेना कम आता है बट मिठाई अच्छी बनती है, महंगा बिकता है। हाँ, भैंस में छेना ज्यादा आएगा तो ज्यादा मिठाई बना सकते हैं। ये भैया को हम पहचान नहीं रहे थे, इनके लड़के से हम लोग पिछली बार इलेक्शन में मिले थे। BHU CHS है, हाई स्कूल है, उसमें पढ़ता था। अभी BHU में एग्रीकल्चर में BSc कर रहे हैं। बहुत मेहनत करके आप भी पढ़ा रहे हैं। आई होप आपका लड़का बहुत अच्छा आगे जाएगा। अब वहाँ से आगे चला ही जाएगा, BHU से अब पीछे नहीं आएगा, इतना तो है। ये गांव का तालाब था, इसमें हम लोग कभी बहुत मछली मारते थे। अभी इसकी हालत देख सकते हैं, कितना हालत हो गई। मछलियाँ हैं बट इसको किसी को खाने की हिम्मत शायद करे। बोलो इधर आ जा, ये भाई नहीं इधर आवा, बात करो, सबको नमस्ते बोल दो। नमस्ते बोला सर मारी है ते, नमस्ते बोल दो सबके। नमस्ते बोल दो, इधर हाथ उठा दो ऊपर। हां हाथ तो उठा रहा। गांव की लाइफ स्टाइल बहुत सोबर और अच्छी भी लगती है बट बहुत सारी प्रॉब्लम भी रहती है। जैसे हम सुबह निकले थे तो बात करते करते क्या हुआ, हम लोग की एक ज़मीन है उस पर किसी के साथ झगड़ा चल गया था, तो उन्होंने मुकदमा कर दिया था। तकरीब वो 5 साल से या 15 साल से चल रहा है। और भैया हाँ काका तो आ रही है वहाँ। अरे इक्के का टेंट का व्यवस्था हो तो आ रहा। अरे बढ़िया बढ़िया, से पूरा टेंट का बिजनेस पूरा बतावा तू हमारी सब्सक्राइबर के बोला, अमेरिका वालन के बोला कुछ क्या बोले? अरे जेवन भी तो के बोले कि अपनी गांव के बारे में, अपने बारे में का खा था वा? ये जर्दा है। जर्दा की खैनी है, खैनी है। जर्दा है। पूछ रहे हैं कि खैनी वहाँ चलती है कि नहीं? नहीं खैनी नहीं चलती है। हाँ। जो लोग यहाँ के लोग हैं ना, हाँ। मैं भी थोड़ा बहुत खाते होंगे बट खैनी नहीं चलती वहाँ पे। हाँ वहाँ पे हुक्का चलता है। हाँ हुक्का तो वहाँ पे हाई फाई जगह पे चलता है। सो मैं बोल रहा था मुकदमे के बारे में कि 15-20 साल से वो चल रहा है, अभी मुझे ख्याल आ रहा है। तो उस पर है कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता जब तक चल रहा है। अब उस पर तीसरे लोग आके घर बनाना चाह रहे हैं, तो मेरे घर वाले शायद रोक दिए थे। तब मुझे बता रहे हैं कि हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है, आप आए हैं, आप समझदार हैं, सॉल्व कर दीजिए। मैंने कहा अन्याय अन्याय मत समझाओ, हम पागल नहीं हैं। पूरे लोग पूरा एकदम दिमाग ख़राब कर दिया। सुबह ही सुबह निकले थे सबसे मिलने के लिए, पूरा दिमाग ख़राब किया। दूसरे लोग से मिले, 3 लोग हम मुकदमे की बात किए हैं सिर्फ। तो ये है, अच्छी लाइफ स्टाइल है बट ये हालत है। सिर्फ पानी में भागता है ये लड़का, सिर्फ पानी में भागता है। बोलो ये सिर्फ पानी की तरह भागता है। अभी हम लोग जा रहे हैं गाजीपुर सिटी, बीच में जंगीपुर है, यहाँ पे मंडी की मार्केट लगती है। स्पेशली आज थर्सडे के दिन तो उसकी वजह से भी थोड़ा ट्रैफिक है। तुम भी, अरे इंडिया में ज्यादा लोग हैं इसलिए ज्यादा ट्रैफिक है, वहाँ पे अमेरिका में कम लोग हैं। या अमेरिका में कम ट्रैफिक है बट ये भी तो सोचो कि यहाँ तुमको ज्यादा लोग मिल रहे हैं प्ले करने के लिए। तुम यहाँ पे सीट बेल्ट क्यों नहीं लगा रहे हो? अरे यार बात सही कर रहा है। अरे यार सब लॉन्ग टाइम तो लगेगा ही ना। एक बार प्रकार जी बुआ का है जी, बुआ का है जब जोशन पहली बार आ रही है। हम लोग पिछले ब्लॉग में आए थे यहाँ पे, आप लोग को दिखाते हैं। ये सब लोगों में वहीं से बनवाया था, वो सब रखी है। इसका YouTube, Facebook, Instagram भी हम ही वहाँ से कंट्रोल करते हैं काफ़ी। मेरी सिस्टर की बड़ी लड़की है, ये भी सीख गई। तुमको भी इसी भी एरिया में रहना है ना? हाँ नहीं तो फिर क्यों करती हो बार बार? करते हैं, मम्मी अकेले रहती है इसलिए करना पड़ता है, कैसे मैनेज नहीं कर पाती है सब अकेले। अरे ठीक से हाथ लगाओ, ये तो ऐसा लग रहा है ये औरतों का पार्लर है तो औरतों की तरह हाथ लग रहा है ना। आदमी को हाथ लगाओ कि थोड़ा सा लगे कि कुछ हो रहा है। वो लिपस्टिक वगैरह लगवाओगे समीर? अरे लगवा दो, क्यों नहीं? तो हल्का हल्का टचअप की हो, क्या क्या की हो? थोड़ा सा ब्लशर लगा है, ब्लशर, हाइलाइटर, न्यूड आई शेडो, आईलाइनर और आई मस्कारा। आईलाइनर, अच्छा आईलाइनर है, आईलाइनर, मस्कारा, और ये सब नहीं लगा है कुछ? नहीं। अभी हम लोग ने यहाँ पे चाय पी रहे थे बैठ के, इन लोग को इतना मजा आ गया, बोल रहे मोट चाय मोट चाय। ये इंडिया का मजा है बेटा। अगेन हम लोग आ गए हैं सेम मिठाई के साथ पे, अग्रवाल स्वीट्स हाउस पे।
थोड़ा थोड़ा चख रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं गाजर का हलवा खाने के लिए। डिफरेंट मिठाई कुछ टेस्ट किए हम लोग। हम आइसक्रीम के लिए मैं तरस गए हैं आइसक्रीम के लिए। लोकल मेड चीजें हैं ना वो सस्ती हैं, और जितनी लग्जरी वाली बाहर वाली चीजें हैं ग्वालियर सब महंगा है। इंडिया में बस सब्जी देख के बड़ा मजा आता है भाई, बहुत सब्जी देख के अच्छा लगता है। ऐसा लग रहा है ना कि हम लोग कैंपिंग में जा रहे हैं। हाँ तो पूरा हमारे गांव में लोग सब कैंपिंग ही करते हैं। इन लोगों को कैंपिंग में जाने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसा लग रहा है कि रात में हम लोग कैंप साइट में घुस रहे हैं। नींद लग रही है? हाँ अब सो जाओ प्लीज, थैंक यू, गुड। अरे बोल रहा हूँ सो जाओ। नींद से लड़ाई मत करो, सो जाओ। हाँ नींद से लड़ाई करने में कोई फायदा नहीं है, सो जाओ। हाँ आज कंचन ने बनाया है पनीर, और ये देसी पनीर है, खाने में बहुत अच्छा स्पंजी लग रहा है। अभी संजू आई है, मेरी सिस्टर, सब लोग आज सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। हालांकि आदत ख़त्म हो गई है साथ खाने की यहाँ पे। और प्रधान जी बहुत बेस्ट खाना है यार, खा लिए? तो हम लोग को क्या खिला रहे हैं? पनीर है, चावल है। अच्छा पनीर हम आपको खिला रहे हैं, आप हमको क्या खिला रहे हैं? मुर्गा।